मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के चुनाव संपन्न होने हैं, जिसको लेकर मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने लगातार अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः प्रहलाद लोधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, मंडल के समस्त कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सिमरिया में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया है। साथ ही प्रहलाद लोधी ने पवई, रैपुरा, मोहंद्रा, हरदुआ, खमरिया, शाहनगर, कलदा आदि क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया और लोधी को क्षेत्र में जनसंपर्क करने पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और उनसे पुनः आशीर्वाद भी चाहता हूँ और जो भी गलतियाँ हुई हों मेरे से उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, पाँव पर के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बीच में परिस्थिति में परेशान रहा था। इसके लिए पुनः आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पुनः उन सबको, पूरे पवई विधानसभा की जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को पाँव पर के मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। कार्यालय परम्परा होती है, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मोहनरा कांग्रेस वचन दे रही और हम लाडली बहना लेके आए, 1000 से शुरुआत की, 1250 देने लगे, 1500 होंगे, 1750, 2000 ऐसे करके हम तो दे रहे हैं 3000 तक लाडली बहना को, और वो नारी सम्मान लेकर 1500 हम 3000 दे रहे हैं। सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम 450 का पहनो।